नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसे आपको पता है कि हम नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है जो कि फेब में होने वाला है उसकी हम तैयारी करा रहे हैं। आज हम लेने वाले हैं मैथ का एक ऐसा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने ऑलरेडी बहुत ढेर सारी 2-3 वीडियोज बनाई है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिल जाएगा। तो आज इस टॉपिक में हम इंक्लूड करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, उससे बाद रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो क्वेश्चन आपको अभ्यास करने हैं, जो आपके उससे रिलेटेड उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो भी आप यह टॉपिक देख सकते हैं, यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदर कोई एग्जाम में भी इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम देख लेंगे रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए रेशियो क्या होता है, सपोज करिए कोई नंबर मैंने ले लिया है, यहाँ पे सपोज करिए मैंने जैसे लिया है जो फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं जिसको हम लोग, हाँ फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, जैसे मैंने फ्रैक्शन में लिया है a अपॉन b। अब a अपॉन b जो रेशियो है इसमें हम किसी एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करके जो आगे नंबर फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो। मतलब a इसको हम पढ़ सकते हैं a इज टू b भी पढ़ सकते हैं, इसको a अपॉन b पढ़ते हैं, या तो a इज टू b, या मतलब a और b का क्या है, रेशियो है। और इसमें क्या है, जो भी नंबर होना चाहिए वह सेम यूनिट, मतलब यहाँ पे अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 5 से, मतलब कि अगर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो, फाई ए अपॉन फाई बी होगा। मतलब सेम नंबर से जो मल्टीप्लाई करके हम आगे जो रेशियो फाइंड करते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं, ये सारे के सारे रेशियो हैं। अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, प्रोपोर्शन दो होता है, प्रोपोर्शन हम वेरिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो पहला हम प्रोपोर्शन बताते हैं, प्रोपोर्शन के टाइप होता है, पहला हमारा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसा होता है, सपोज करिए यहाँ पे एक्स जो एक्स प्रोपोर्शन है y के साथ में, मतलब x और y क्या होता है, प्रोपोर्शन है, किसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को मैंने क्या लिख दिया है, प्रोपोर्शन का मार्क होता है। यह x किसके साथ में वेरीज करता है, y के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरीज करता है, प्रोपोर्शन ही है। तो इसकी वजह हम कैसे इसको लिखेंगे, x प्रोपोर्शन टू y। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वह मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं प्रोपोर्शन के बारे में बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए x प्रोपोर्शन y हम लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई लिखेंगे, यहाँ पे के मैंने क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देंगे हमारा कांस्टेंट है, के मीन्स क्या हमारा है, कांस्टेंट है, मतलब के की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, तो मतलब कि यहाँ पे एक्स अपॉन वाई रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ध्यान दीजिएगा एक्स अपॉन वाई होता है तो के की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आने वाली है, यह आपको ध्यान देना है। ओके x अपॉन y कभी रहता है, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब दूसरा हमारा है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इनवर्स कैसा रहेगा, सेम इसका उल्टा। जैसे यहाँ पे क्या किया था मैंने, x प्रोपोर्शन टू y किया था, यहाँ पे x प्रोपोर्शन टू इसका y का हमें क्या लेना रहेगा, y का हमें यहाँ पे जो रेसिप्रोकल होता है उसको लेंगे, तो x इनवर्स, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, मतलब x प्रोपोर्शन 1 अपॉन y लिख देंगे। सो x इज इक्वल टू के y, के अपॉन y, और ये k हमारा क्या है, k कांस्टेंट है, हाँ ओके k इज कांस्टेंट, जैसे वहाँ पे k कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसको हम वहाँ भेज देंगे, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के, इसका मतलब x y इज इक्वल टू के, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद यह जो नंबर रहेंगे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों जो ये x और y हैं, दोनों वेरिएबल हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनकी जो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और डिवाइड करके आएगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट, वो कैसे पहचानेंगे उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। सपोज करिए यहाँ पे ये कोई कार है, और अगर मैंने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, अगर कार है और उसकी मैंने स्पीड को बढ़ा दिया तो उसका जो डिस्टेंस कवर वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैंने कार की स्पीड बढ़ाई तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज में अगर यह इंक्रीज किया, स्पीड इंक्रीज किया तो डिस्टेंस भी कवर, हाँ
जो कवर्ड डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर स्पीड मैंने कम कर दिया, स्पीड अगर मैंने डिक्रीज कर दिया, तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड किया रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब कि अगर यह कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ा, मतलब स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस जो कवर रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा कवर हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम स्पीड कम करते हैं तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूसरा, अगर सपोज करिए वही स्पीड है बट यहाँ पे मैंने टाइम लिया है, हाँ ओके, अभी वहाँ पे डिस्टेंस दिया था टाइम, अगर यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो जो टाइम लगने वाला है किसी भी जगह पहुँचने का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। और सपोज करिए स्पीड मैंने डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, तो उसकी जो डिस्टेंस, जो टाइम लगने वाला हो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ही खुद देख लीजिए, अगर आप स्लोली स्लोली चलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, मतलब डिस्टेंस अगर स्पीड आपने डिक्रीज कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, यह हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है, यह इनवर्स का एग्जाम्पल है। और ये किसका था, डायरेक्ट का। डायरेक्ट में कैसा रहता है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, मतलब कि अगर वहाँ पे अगर डिस्टेंस, अगर स्पीड बढ़ी तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वही बढ़ जाएगा। और इनवर्स में कैसा है, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो जो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यह आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि दोनों में ध्यान दीजिएगा, अगर स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस कवर बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और स्पीड बढ़ा रहे हैं तो जो टाइम लगने वाला है कम लग रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इनवर्स। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट, और इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा, सीधा उल्टा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा हमें किस तरह इसे, इस तरह के रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज़ करना है क्वेश्चन में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज। देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया है, पहला हमारा क्या दिया है, टीथ दिया है, और दूसरा क्या दिया है, एज दिया है। अगर किसी पर्सन वेरीज, कैसे वेरीज करता है, डायरेक्टली करता है या इन्वर्सली करता है, ना इधर डायरेक्टली नॉर इन्वर्सली, ना ही डायरेक्टली ना ही इन्वर्सली करता है, सम टाइम डायरेक्टली एंड सम टाइम इन्वर्सली विथ ईच अदर। देखिए सपोज करिए यहाँ पे, देखिए अगर किसी व्यक्ति की अगर अगर एज, ये समझिए ग्रो हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके दांत भी इंक्रीज हो, क्योंकि 20 साल या 25 साल के बाद दांत वही के वही रहते हैं, उसमें इंक्रीज नहीं होते, मतलब वो स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, इसमें डिक्रीज भी नहीं कर सकते, स्टॉप रहेगा, ओके। मतलब 15 साल 20 साल के बाद अगर हम जाते हैं तो ये दांत इसमें बढ़ेंगे नहीं, वैसे का वैसे स्टॉप हो जाएंगे, बल्कि एज क्या हो जाएगी, कंटिन्यू इंक्रीज होती रहेगी। अब दूसरा, अगर बच्चों में ले लेते हैं तो बच्चों में क्या है, एज भी इंक्रीज होती है और इनके जो टीथ होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इन्फेंट में आपने देखा है बचपन में कुछ भी दांत नहीं रहेंगे, फिर धीरे धीरे दांत आने लगेंगे, मतलब एज भी बढ़ेगी और उनका क्या हो जाएगा, टीथ भी बढ़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर बढ़ भी रहा है और एक तरह यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हो रहा है, इनडायरेक्ट भी होता है। कैसे, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे दांत उसके क्या होते हैं, कम भी होने लगते हैं। 50-60 साल के पार अगर एज 60 होती है तो उसके बाद एज क्या, 60 ईयर्स होती है तो उसके बाद टीथ क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, मतलब यह इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि फिक्स नहीं, मैंने बता दिया कि फिक्स नहीं कि डायरेक्टली बढ़ेगा मतलब टीथ बढ़ेगा तो एज बढ़ेगी, ऐसा फिक्स नहीं है, वह अलग अलग हो सकता है। दूसरा, इन्वर्सली विथ ईच अदर, इन्वर्स भी नहीं हो सकता है, ये नहीं कि टीथ बढ़े तो एज कम हो या तो एज कम, एज बढ़े तो टीथ कम हो, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना इधर, इसे बोल दिया ना डायरेक्टली हम कर सकते हैं ना इन्वर्सली कर सकते हैं, ये दोनों भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, सम टाइम डायरेक्टली एंड सम टाइम इन्वर्सली विथ ईच अदर, मैंने बताया कभी कभार हो सकता है, अगर बच्चे के साथ हम लेते हैं तो बच्चे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की एज बढ़ेगी तो उसके नंबर ऑफ टीथ, हाँ नंबर ऑफ टीथ भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, दांत की संख्या बढ़ेगी। लेकिन वही अगर हम किसी एजेड, हाँ एजेड इंसान में लेते हैं तो उसकी अगर एज बढ़ेगी तो उसके टीथ की संख्या क्या हो जाएगी, टीथ के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वहाँ डिक्रीज होंगे, मतलब उसके दांत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यह इन्वर्सली रहता है। तो ये फिक्स नहीं है, यह डायरेक्टली भी हो सकता है और इन्वर्सली भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज इन्वर्सली विथ ईच अदर, इसमें कौन सा चीज़ है जो इन्वर्सली वेरीज करता है, इन्वर्सली मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन करता है। अब बताया तो मैंने आपको भाई
चलिए स्पीड एंड डिस्टेंस कवर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि देखिए स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस कवर जो है वो भी बढ़ेगा। सपोज करिए स्पीड इंक्रीज हो गई तो डिस्टेंस भी कितना जो कवर किया रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स नहीं है, गया। दूसरा डिस्टेंस कवर एंड टैक्सी फेयर, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा टैक्सी फेयर भी क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। मतलब अगर डिस्टेंस अगर कवर इंक्रीज हो रहा है तो टैक्सी फेयर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमने जितना डिस्टेंस ज़्यादा जितना हमने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया रहेगा उतना ज़्यादा हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मतलब ये तीनों की तीनों क्या है, डायरेक्ट है, हमें यहाँ डायरेक्ट नहीं बताना। अगला स्पीड एंड टाइम टेकन, अगर स्पीड हमने बढ़ाया है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा दीजिए तो टाइम अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो लगने वाला समय हो कम हो जाता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा। इसी का मैंने एग्जांपल भी लिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोथ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन वन अपॉन एक्स एंड वन अपॉन वाई आर। देखिए एक्स एंड वाई, एक्स से हमारा ये रेसिप्रोकल है, वाई का यह रेसिप्रोकल है, और एक्स एंड वाई क्या बता रहा है कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसका जो क्या बोलते हैं, ये जो रेसिप्रोकल है वह भी क्या रहेगा, डायरेक्ट ही रहेगा, नो चेंजेस इसमें। अगर एक्स एंड वाई कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो एक्स वन अपॉन एक्स मतलब इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या होगा, डायरेक्ट ही होगा। मतलब वन अपॉन एक्स प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वन अपॉन वाई, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल का भी होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, क्योंकि एक्स एंड वाई अगर डायरेक्टली हैं तो इसके जो रेसिप्रोकल है वो भी क्या रहेंगे, डायरेक्टली ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फोर्थ वन है, इफ टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू वेरीज इनवर्सली, पी और क्यू क्या करते हैं, इनवर्सली, हाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब कैसा होगा, पी प्रोपोर्शन वन अपॉन क्यू। ओके तो P इज इक्वल टू के अपॉन क्यू, यहाँ पे K हमारा क्या है, K इज कॉन्स्टेंट, K हमारा कॉन्स्टेंट, ओके K कॉन्स्टेंट है तो Q इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू रहना चाहिए इधर, चलेगा मैं क्यू बना दूँ, P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, मतलब यहाँ पे P इंटू क्यू क्यों क्या रहेगा, के रहेगा, मतलब के की मतलब के मीन्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देख लीजिएगा जब इन्वर्सली रहता है तो कैसा आता है, पी अपॉन पी इंटू क्यू आ जाता है, हाँ सॉरी पी इंटू क्यू होता है इज इक्वल टू के, के मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ वन है, द वेरिएबल एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वाई, एक्स किसके साथ में, वाई के साथ में, इनवर्सली वेरी, हाँ इनवर्सली वेरिएबल है, इनवर्सली मीन बता दिया मैंने, जैसे यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि एक्स प्रोपोर्शन टू वाई, बट इनवर्सली है मतलब कि हमें वाई का क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन वाई लेना पड़ेगा। ओके चलिए तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। अब इफ एक्स इंक्रीजेस बाय पी, हाँ पी परसेंटेज, अगर एक्स को हमने पी परसेंट इंक्रीज किया है, देन बाय व्हाट परसेंट वाई डिक्रीज, सेम इतना ही डिक्रीज होगा, एस में जितना यहाँ पे परसेंट वो सेम रहता है, जो यह परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है उतने ही परसेंटेज से यह क्या होता है, डिक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा कभी भी, हाँ इस रेशियो में, इस जो प्रोपोर्शन में क्या बोल रहे हैं, जिससे इंक्रीज, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है जितना स्पीड बढ़ती है और जितना जितना उसका टाइम लगने वाला कम रहता है, जितना उसका स्पीड डिस्टेंस कवर किया रहता है, दोनों सेम क्या है, परसेंटेज में बढ़ते हैं, मतलब दोनों का जो परसेंटेज होता है, जो रेशियो बढ़ता है वह इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे भी जो इनका बोल रहा है, दोनों का जो बढ़ने वाला परसेंटेज है क्या होगा, सेम होगा, इसका पी परसेंट बढ़ता है तो इसका भी कितना है, पी परसेंट ही कम होगा, उससे आगे पीछे कम नहीं होगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे वाला है क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा, एल वेरीज डायरेक्टली एज एम, एल किसके साथ में, एम के साथ में डायरेक्टली वेरीज करता है, मतलब एल प्रोपोर्शन टू एम। उसके बाद एंड एल इज इक्वल टू फाइव m, when m is equal to 2 upon 3, find l when m is equal to 16 upon 3। बहुत ईजी है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान देखिए l प्रोपोर्शन किसके साथ में करता है, m, मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिखता हूँ तो ईजी रहेगा। चलिए l
डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम, अगर इन्वर्सली बोलता तो हमें क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, 1/m, लेकिन हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोला है तो एल प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम, तो एल इज इक्वल टू के एम, तो एल अपॉन एम इज इक्वल टू के, एंड के क्या हमारा है, के इज कॉन्स्टेंट, ये हमारा कॉन्स्टेंट है या नंबर है, कुछ तो नंबर आने वाला है। एल की वैल्यू कितना दिया है, 5 अपॉन, एंड एम की वैल्यू कितना है, 2/3, 3 का डिवाइड है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। के की वैल्यू 15/2, ये क्या आ गया, कांस्टेंट हमारा आ गया। अभी जो के की वैल्यू आई हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लिख देंगे एल अपॉन एम इज इक्वल टू 15/2, ये हमारा इक्वेशन, हाँ ये हमारी क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। अब इसी इक्वेशन में हमें एक वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, एम की वैल्यू दिया है, इस एम की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे लाके रख देते हैं। चलिए रखते हैं यहाँ पे एल, यहाँ पे कितना 16/3 इज इक्वल टू 15/2, इस पूरे पार्ट का यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16/3। अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे कैंसिल करना है, वो ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 5 15, और इसको इससे कैंसिल कर दिए, 2 8 16 हो गया, तो 5 and 8 बचा है, एल इज इक्वल टू 5 into 8, एल इज इक्वल टू 5 40, ओके। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 15/2 निकाला था, पहले हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर दैट कांस्टेंट की वैल्यू हमें इस जो इक्वेशन थी हमारी, जहाँ ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, और उस इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू पुट कर देंगे दूसरी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगला है, द फोर्थ प्रोपोर्शन 2, 3, 4 and 21 इज, देखिए यहाँ पे 3 प्रोपोर्शन दिए लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं दिया, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम एज्यूम कर लेते हैं x, एज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ समझने के लिए आप लोग को, फिर क्या हो जाएगा, 3 proportion to 5 एंड इज इक्वल टू होगा 21 proportion to x, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसके साथ में इसको रेशियो लेंगे, इज इक्वल टू इसके साथ में इसके, मतलब 3/5 इज इक्वल टू 21/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको डायरेक्टली, 3 into x 21 into 5, x इज इक्वल टू 21 into 5 डिवाइड बाई 3, सो x इज इक्वल टू 7 3 21 into 5, सो x इज इक्वल टू 7 5 35 लिखिएगा प्रॉपर तरीके से, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगला है, आठवां है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 सो दैट इट्स बिकम 3:4, मतलब इस 49:2 जो रेशियो दिया है 49:68 इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए कि वह रेशियो यह बन जाए। हमने सपोज किया है x ऐड किया जाए, क्या x किया, x, तो 49+x/68+x इज इक्वल टू 3/4 बन गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड करें, चलिए कर लेते हैं, 4 into 49+x इज इक्वल टू 3 into 68+x, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जाए यहाँ पे 36 को 6 लिखते हैं, 4 4 16 16 3 कितना हो गया 19, प्लस x की वैल्यू हमें 4 में मल्टीप्लाई करें तो 4x हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 8 24 को 4 18 18 और यहाँ कितना 20 हो गया, ओके। प्लस x की वैल्यू 3 में इंटू कर देंगे, x का 3 में इंटू करेंगे कितना होगा 3x, अभी हमें वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड लेना है तो 4x यहीं पे रहेगा, 3x को इस साइड लाएंगे, -3x 204 -196 माइनस कर देते हैं, 4 यहाँ 8, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा तो 8 आया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, अ बैग कंटेंस ऑफ रुपीज 600 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज
50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो 3:4:12। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, मतलब 25 जो पैसे की कॉइन्स है वह कितनी है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत इजी है। देखिए यहाँ जब भी कभी भी रेशियो दिया रहता है ना, तो उसके साथ में हमें कॉमन मल्टीप्लायर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यह 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा या 12x हो जाएगा। मतलब कि 1 रुपीज़ की जो कॉइन है, 1 रुपीज़ की जो कॉइन है कितनी हो जाएगी, 3x। और जो रुपीज़ नहीं, यहाँ पैसे, यहाँ तो रुपीज़ रहेगा, यहाँ पैसे रहेगा, कितना पैसे, 50। 50 पैसे की जो कॉइन होगी कितनी होगी, 4x होगा। और जो 25 पैसे की जो कॉइन होगी कितनी होगी, 12x होगी। इसका जो कॉमन मल्टीप्लायर हम लेंगे वह क्या लेंगे, x लेंगे। जैसे हम रेशियो एज्यूम करते हैं, जैसे कविता एंड सविता की एज की रेशियो दिया है 3:4, तो कविता की एज हम एज्यूम करते हैं 3x एंड सविता की कितनी एज्यूम करते हैं, 4x। इसका कॉमन मल्टीप्लायर जो हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। मतलब हम एक ही रेशियो जो लेते हैं वो x से हम दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बताया था रेशियो में केवल एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करके आगे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने x से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 रुपये की कितनी, यह क्या दिया है, कॉइन्स है। हाँ, यह कॉइन्स 1 रुपये की है, यह 50 पैसे की है और 25 पैसे की है। अब 1 रुपये की कितनी कॉइन है, 3x है। मतलब कितना पैसे हो जाएंगे, हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे। तो 100 पैसे वाले कितनी कॉइन है, 3x। तो कितना पैसा हो जाएगा, 3x into 100। ओके, प्लस 50 पैसे वाली कितनी कॉइन है, 4x कॉइन है। मतलब 4x into 50 पैसे वाली कॉइन है। प्लस 25 पैसे वाली कितनी कॉइन है, 12x। 12x एक कॉइन की है, नंबर्स ऑफ कॉइन है, और उसमें हमें क्या करना है, उसके पैसे जितने उससे मल्टीप्लाई करना है। टोटल कितने हैं, 600 रुपीज़। 100 को हमें किस में करना है, पैसे में, तो 2 ज़ीरो और बढ़ा देंगे। मतलब यह जो पैसे पैसे हैं, यह जो पैसे हैं और यह जो पैसे हैं, सारे पैसे मिला के कितने हैं, 60,000 पैसे हैं। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, 300x + 200x + ये भी कितना हो जाएगा, 300x = 60,000। ये हमारा जोड़ देते हैं, 3 3 6 6 2 कितना होता, 8। 800x = 60,000। x = 60,000 को हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको हम हाफ कर देंगे, ये हमारा 300 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4। हाफ किए, अब इसको भी हाफ करना है तो हाफ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए डिवाइड ही कर देते हैं, तो 4 से 300 को 30 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 4 7 20 8, बचेगा यहाँ पे 20 2 0 20 20, तो 5 4 20, मतलब कितना आएगा, 75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। अब x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, यह क्या है, नंबर्स ऑफ कॉइन है। यह कितने 1 रुपये की कॉइन है, यह 50 पैसे की कॉइन है, या 25 पैसे की। 25 पैसे की कॉइन कितनी है, 12x है। मतलब 12 × 75 में कर देते हैं, 75 × 12, 5 2 10 को 0 हो जाएगा, 7 1 7 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 5 और यहाँ पे 7 1 7, इसको हम 0, ये हमारा कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पे 25 से 12 कॉइन्स है, 12 इंटू कितना है, 75 है ना, सही तो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 2 10 और हाँ ये गलत हो गया, यहाँ पे गलती कर दिए, देखिए 5 2 10 को 0 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 14 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके चलिए, मैंने वन टाइप गोल किया था अभी, हाँ सही है, 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये 8 हो गया, यहाँ का एक कैरी हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, 900। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 900 कॉइन्स कितने की है, 25 पैसे की कितनी कॉइन है, 900। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल्स। देखिए क्या है, मटेरियल, लेबर
एंड ओवरहेड तीन पार्ट में दिया गया है। ये मटेरियल का है रेशियो है, ये लेबर का रेशियो है, ये ओवरहेड का रेशियो है। इफ द मटेरियल कॉस्ट इज, मटेरियल कॉस्ट देखिए दिया है, मटेरियल का रेशियो भी है और मटेरियल का कॉस्ट भी दिया है, देन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल मीन्स क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, मटेरियल का कॉस्ट दिया है और रेशियो को मैंने बोला था इसका हमें कॉमन मल्टीप्लायर लेना पड़ता है एक्स। तो हमें जो मटेरियल का कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट एम कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट कितना है हमारा, हो जाएगा 5x रुपीस। ओके, नेक्स्ट दूसरा हमारा लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x रुपीस। मैंने बताया था रेशियो में हमें x का मल्टीप्लाई करके करते बहुत इजी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का और क्वेश्चन मिले तो आप प्रैक्टिस कर डालिए। ओवरहेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्स रुपीज, 1x नहीं लिखते हैं, एक्स रुपीज। ये तीनों के तीनों खर्चे मिला के क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बनता है, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तभी हमारा आर्टिकल बनता है। लेकिन सबकी वैल्यू नहीं देगी, यहाँ पे क्या है, एक कॉस्ट दिया गया, मटेरियल कॉस्ट कितना दिया गया है, तो मतलब कि मटेरियल कॉस्ट मतलब कि हमारा 5x की वैल्यू दी गई है कितना, 6.90 दी गई। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 6.90 डिवाइड बाई 5x is equal to, divide कर देते हैं 5 point लगा देते हैं, यहाँ बचा कितना 1 and यहाँ पे 1 बचा, 1 and 9 हो गया, 5 3 15, यहाँ पे कितना बचेगा 4 and 5 3 15, यहाँ 4 5 8 जा। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.38। अभी x की वैल्यू जो आ गई हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हमें पता है, ये 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 3x भी हमारा आ जाएगा। ये हमारा 5x पहले से दिया था जिसके हिसाब से हमने x निकाला, अब 3x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 3 × 1.38 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24 को 4, 3 3 9 10 11 को 1 और 3 1 3 3 4 मतलब 4.14। ओके, ये किसका कॉस्ट आ गया, ये हमारा लेबर कॉस्ट है। उसी तरह हम दूसरा लास्ट वाला निकाल देते हैं, कौन सा कॉस्ट रहेगा, ओवरहेड कॉस्ट, जो कि कितना होगा 1.38। अब हमें क्या यहाँ पूछा था, तीनों देखिए कॉस्ट पता चल गया, ये किसका कॉस्ट है, मटेरियल का, ये किसका है, ये लेबर का, और ये किसका है, ओवरहेड का। तीनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आर्टिकल का कॉस्ट आ जाएगा। तो लिख देंगे, जोड़ते हैं 6.90 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 4.14 और यहाँ पे 1.38 ऐड कर देते हैं, पीछे से ऐड करना है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 10 10 3 13 13 प्लस 1 14 14 को 2 हो जाएगा, अरे 10 11 11 प्लस वो 1 कितना हो जाएगा 12.42 रुपीज़ मतलब उस आर्टिकल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 12.42 आएगा। यहाँ पे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टोटल 10 क्वेश्चन लिए थे, आने वाले पार्ट टू की वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे जिससे इससे रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।